विभाजित राज्य। दाऊद राजा ने 40 वर्षों तक शासन किया, तब वह मर गया और उसके पुत्र सुलेमान ने इज़राइल पर शासन करना आरंभ किया। परमेश्वर ने सुलेमान से बात की और उससे पूछा कि वह सबसे अधिक क्या चाहता है कि परमेश्वर उसके लिए करे। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा कि वह उसे बहुत बुद्धिमान बना दे। इस बात ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान को संसार का सबसे बुद्धिमान पुरुष बना दिया। सुलेमान ने बहुत सी बातों को सीखा और वह एक बुद्धिमान शासक था। परमेश्वर ने उसे बहुत धनवान भी बना दिया था। यरूशलेम में सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया जिसके लिए उसके पिता ने योजना बनाई थी और सामान को इकट्ठा किया था। अब लोग मिलाप वाले तंबू के बजाय मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते थे और उसके लिए बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर आकर मंदिर में उपस्थित रहा करता था और वहां वह अपने लोगों के साथ वास करता था। परंतु सुलेमान ने दूसरे देशों की स्त्रियों से प्रेम किया। उसने बहुत सी लगभग 1000 स्त्रियों से विवाह करके परमेश्वर की अवज्ञा की। इनमें से बहुत सी स्त्रियां पराये देशों से आईं और अपने साथ अपने देवताओं को लाईं और उनकी उपासना करना जारी रखा। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसने भी उनके देवताओं की उपासना की। इस वजह से परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित था। उसने कहा कि वह इज़राइल देश को 2 राज्यों में विभाजित करने के द्वारा उसे दंड देगा। वह सुलेमान के मरने के बाद ऐसा करेगा। सुलेमान के मरने के बाद रहबाम राजा बना। इज़राइल देश के सब लोग उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने रहबाम से शिकायत की कि सुलेमान ने उनसे बहुत कठिन परिश्रम करवाया था और बहुत से कर वसूले थे। उन्होंने रहबाम से अनुरोध किया कि उनसे कम काम करवाए, परंतु रहबाम ने उनको बड़ी ही मूर्खता से जवाब दिया, तुम कहते हो कि मेरे पिता सुलेमान ने तुमसे कठिन परिश्रम करवाया, परंतु मैं तुमसे उससे भी अधिक कठिन परिश्रम करवाऊंगा और मैं तुमको उससे भी अधिक पीड़ित करूंगा। जब लोगों ने उसे ऐसा कहते सुना तो उनमें से कईयों ने उसके विरुद्ध बलवा किया। 10 गोत्रों ने उसे छोड़ दिया। उसके साथ अब केवल 2 गोत्र ही बचे। इन 2 गोत्रों ने स्वयं को यहूदा का राज्य कहा। बाकी के 10 गोत्रों ने यारोबाम नाम के एक पुरुष को अपना राजा बना लिया। ये गोत्र देश के उत्तर पूर्वी भाग में थे। उन्होंने स्वयं को इज़राइल का राज्य कहा, परंतु यारोबाम ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और लोगों से पाप करवाया। उसने अपने लोगों के द्वारा उपासना करने के लिए 2 मूर्तियों को बनाया। वे अब यहूदा के राज्य में यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में उसकी आराधना करने के लिए नहीं गए। यहूदा और इज़राइल के राज्य शत्रु बन गए और अक्सर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगे। इज़राइल के नए राज्य में सारे ही राजा दुष्ट थे। इनमें से कई राजा उनके स्थान पर राजा बनने की चाह रखने वाले अन्य इसराइलियों के द्वारा मारे गए थे। इज़राइल राज्य के सारे ही राजाओं ने और अधिकतर लोगों ने मूर्तियों की उपासना की। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे अक्सर वेश्याओं के साथ सोए और यहाँ तक कि कई बार मूर्तियों के आगे बच्चों को बलि भी किया। यहूदा राज्य के राजा दाऊद के वंशज थे। इन राजाओं में से कई भले व्यक्ति थे जिन्होंने न्यायपूर्वक शासन किया और परमेश्वर की आराधना की, परंतु यहूदा के अधिकांश राजा दुष्ट थे। उन्होंने दुष्टता से शासन किया और मूर्तियों की उपासना की। यहाँ तक कि इनमें से कुछ राजाओं ने झूठे देवताओं के आगे अपने बच्चों को भी बलि कर दिया। यहूदा के अधिकतर लोगों ने भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और अन्य देवताओं की उपासना की।